पुणे में फैली जातीय हिंसा का असर पूरे राज्य में दिख रहा है। हिंसा का मामला बुधवार को संसद में उठा। कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों ने सरकार पर हमला बोला। इस बीच विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार के बीच बहस हुई। लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भीमा कोरेगांव में हर साल दलित लोग जाकर स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। खड़गे ने कहा कि समाज में फूट डालने के पीछे कट्टर हिंदूवादी और आरएसएस का हाथ है। हर साल दलित समुदाय के लोग इस तरह का कार्यक्रम करते हैं। जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां पर दलितों के खिलाफ इस प्रकार का हादसा हो रहा है। पीएम को इस मुद्दे पर बयान देना चाहिए। पीएम ने इस मुद्दे पर चुप्पी क्यों साधी है? केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार ने खड़गे पर मामला को भड़काने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी गुजरात और हिमाचल हार चुकी है, इसलिए निराशा के साथ इस प्रकार की बातें कर रही है। आज के दिन में ब्रिटिश की जगह कांग्रेस वाले डिवाइड एंड रूल का काम कर रहे हैं। यदि आज के दिन में सबका साथ सबका विकास लेकर चला जा रहा है तो वह हमारे नेता नरेंद्र भाई मोदी हैं। इस फोरम का इस्तेमाल लगी आग को बुझाने के लिए होना चाहिए। कांग्रेस और राहुल गांधी उसे भड़काने का काम कर रहे हैं। वहीं राज्यसभा में गृह मंत्री राजनाथ सिंह हिंसा पर बयान दे सकते हैं। बता दें कि आज ही सरकार राज्यसभा में 3 तलाक पर बिल पेश करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, पलपल न्यूज़।